ससुर इम्प्रेस होने चाहिए। वो मैंने जब स्टेज पे मुझे बुलाया, जिस जो लड़का मुझे बुलाने जा रहा था, मैंने कहा इतनी तारीफ करी आज तो मेरी की दुनिया का सबसे महान आदमी मैं ही हूँ। तो उसको मैंने पूरा ट्रेंड किया, उसने बढ़िया तरीके से मुझे स्टेज पे बुलाया, सब खड़े हो गए, 700-800 लोग, फिक्की कनॉट प्लेस में प्रोग्राम था, 600 लोगों की कैपेसिटी थी वहाँ पर, सब खड़े हो गए। तो मैं ससुर को लगाया कोई बड़ा आदमी आ रहा है, और मैं गया, फिर मैंने डिलीवर किया और देखा को 15-20 मिनट के बाद वो जा रहे थे। मेरे को लगा, मैंने कहा भाई तो काम खराब हो गया, पूरा सुना भी नहीं उन्होंने। पर जैसे तैसे मैंने सेमिनार किया, फिर शाम को जब मेरी बात हुई, उन्होंने बोला पापा तो बड़े इंप्रेस हैं, हाँ कर दी उन्होंने। तो हमने इस तरह षड्यंत्र करके लड़की फंसाई। ये वीडियो जाना चाहिए ससुर जी के पास। नहीं, ससुर जी के पास नहीं जा सकता, ससुर जी भी चले गए। माय फादर इन लॉ पास्ड अवे आई थिंक 3-4 years, 5 years back। तो अब वो उनके पास जा नहीं सकता वीडियो। वैसे वो देख रहे होंगे तो कहीं ना कहीं बैठ के सोच रहे होंगे कि देखो इसने मुझे ऐसे फंसाया था क्या। लेकिन ही वॉज वेरी हैप्पी, जब तक वो जिंदा थे ही वॉज वेरी हैप्पी, और उनको इस बात से हमेशा तसल्ली रही कि उनका बेटी हमेशा खुश है, सही जगह मैंने उसका शादी कर दिया है। एट द लास्ट मोमेंट भी मैं उनके साथ ही था, हॉस्पिटल में थे जब 10-12 दिन वो भी हॉस्पिटल में थे, तब मैं उनके साथ ही था। तो जाना सबने, कोई नई चीज़ नहीं है। ही वॉज वेरी हैप्पी टिल द लास्ट डे ऑफ हिज लाइफ। जी, पर ये कुछ ऐसा ही स्टोरी मेरा भी है, मुझे अपने ससुर जी याद आ गए, ऐसी कुछ था। खैर, अगले सवाल पर चलते हैं सर। व्हाट वाज द बेस्ट डिसीजन ऑफ योर करियर? मतलब आपको लगता है लाइफ में वो डिसीजन मैंने लिया अपने करियर के लिए बिल्कुल परफेक्ट था? यार, ऐसा आज से 3-3.5 साल पहले का एक डिसीजन है जो मैंने लिया था। मैं एक कंपनी में काम कर रहा था, 14-15 साल मैंने वहाँ बिताए, तो उसको स्विच ओवर करना बहुत मुश्किल था मेरे लिए, बिकॉज आई वॉज अर्निंग अप्रॉक्सीमेटली 30 lakh rupees a month। तो आज से 3-3.5 साल पहले, तो 30 lakh rupees बाद हैंडसम अमाउंट, तो वहाँ से स्विच ओवर करके ज़ीरो से फिर से रीस्टार्ट करना बहुत डिफिकल्ट डिसीजन था, लेकिन वो लेना बहुत ज़रूरी था। तो वो डिसीजन मुझे लगता है कि वो राइट टाइम पे लिया गया, एक राइट मूव था, जिसने मेरे साथ काम